हाय दोस्तों, आज बिना बेल्ट के ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में ले लिया है और कपड़े को अच्छे से बराबर कर लूँगी और यहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन कर लूँगी कपड़े को सीधा करने के लिए। लाइन सीधी हो गई है, अब मैं इसकी लंबाई लूँगी। तो ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 15 इंच है, आप इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 14.5 इंच पे ये कम्प्लीट सिल के तैयार होगा। शोल्डर है 5.5, क्योंकि ये डीप नेक है, डीप नेक के लिए आपको शोल्डर इतना ही रखना पड़ेगा। और ये आर्म होल की निशान 6 इंच पे है, क्योंकि ये 36 इंच का ब्लाउज है। तो इस पर सीख नहीं, अगर 34 या 32 इंच का है तो वहाँ आपको आर्म होल 5.5 इंच ही रखना है। और यहाँ मैंने आधा इंच कम कर दिया है। चेस्ट है, 36 इंच का ब्लाउज है, उसका चौथा भाग जो है वो 9 इंच है। तो 9 इंच पर मैंने यहाँ एक निशान लगा दिया है। और इसके बाद जो नीचे वेस्ट का फिटिंग है वो 8.5 इंच है, क्योंकि 34 इंच पे है। यहाँ मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है और ये लाइन भी मैं स्ट्रेट कर दूंगी। यहाँ आप मार्जिन के लिए कपड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, नीचे से ऊपर से 1.5 इंच, नीचे से 2 इंच, क्योंकि 1/2 इंच की प्लेट पड़ेगी। और यहाँ मैं इसकी गुलाई दे देती हूँ, और ये देखिए 1/2 इंच पे इसकी गुलाई दे दी हूँ मैं। और ये मैंने गले का निशान लगाए हूँ, गला मैंने रखा है 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पे, और नीचे का डीपनेस 11 इंच पे है। और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ मैं गोल गले का शेप दे रही हूँ, गला आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी और सरल है गला बनाना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी गुलाई देना है गले की, गोल गले की, जो कि आपका गला बहुत ही अच्छा सा और फैला हुआ आएगा। और ये देखिए गले का भी निशान लग गया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पीछे का पार्ट हमारा कट के तैयार हो गया है, अब मैं आगे की कटिंग करूंगी। तो यहाँ मैं 1/2 इंच कपड़ा बढ़ा के लूँगी, ये जिस साइड से फोल्ड है यहाँ एक मैं सीधी लाइन कर लूँगी। ब्लाउज काटना बहुत ईजी है, 36 इंच का ब्लाउज अगर आप इस मेजरमेंट से काट रहे हैं तो आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा। और ये जो पीछे का पार्ट है उसी पर मैं रख दूँगी और बस यहाँ एक निशान ड्रॉ कर लूँगी उसी के बराबर। तो निशान भी हमने ड्रॉ कर लिया है, अब ये कपड़े को मैं हटा दूँगी। तो ये मैंने जो आर्म होल का निशान लिया था वहाँ से मैंने यहाँ पीछे भी मैं 5.5-6 इंच रखूँगी। आगे मैंने 1/2 इंच कम कर दिया था और उसके बाद यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद गले का निशान दूँगी, तो 2.5 इंच पे गले का निशान लगाना है। 6 इंच इसकी डीपनेस रखूँगी, आप चाहें तो 1/2 इंच कम भी कर सकते हैं, लेकिन 6 इंच पर गला जो है वो एकदम परफेक्ट आता है। और ये निशान भी ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ गोल गले का मैं शेप दे दूँगी। तो आप गोल गले का शेप इस तरह की दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी और सरल है। अब यहाँ मैं डॉट्स के निशान लगाऊँगी। पहले तो मैं आर्म होल के 1/2 इंच पे यहाँ गुलाई दे दूँगी। पीछे का पार्ट 1 इंच था और आगे वाला 1/2 इंच है, तो 1/2 इंच पर मैंने यहाँ गुलाई दे दिया है। और अब मैं डॉट्स का निशान लगाऊँगी। तो बन साइड से मैंने 4 इंच लिया और इसके बाद इसके ऊपर मैं 2.5 इंच पर इसके डॉट का निशान दूँगी। इसके बाद मैं एक डॉट और 3 इंच का लगाऊंगी, जो गले की साइड से लगेगा, और गले से मैं 4 इंच नीचे आके ही दूंगी। यहाँ से मैं एक साइड का डॉट्स लगाऊंगी जो 5.5 है, और आर्म होल से एक डॉट्स और लगाऊंगी जो कि 3 इंच का है। इस तरह से डॉट्स का निशान लगा के आप एकदम ब्लाउज को परफेक्ट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे डॉट्स लग चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा आगे और पीछे दोनों का पार्ट कट गया है ब्लाउज का, जो कि एकदम परफेक्ट और ईजी है, इसे काटना आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ मैं आर्म होल की गुलाई फिर से ले लूँगी। तो आप देख सकते हैं 11 इंच है, इसमें मैं 1/2 इंच कम कर दूँगी, क्योंकि जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो 1/2 इंच शोल्डर जॉइंट में आ जाएगा। और अभी मैं बाजू का निशान कर लूँगी। 11 इंच पर जब निशान लगे तो इसकी लंबाई मैं रखूँगी 3.5 इंच, और इसके बाद मैं 1/11 इंच पर निशान लगा दूँगी। और इसके बाद फिटिंग रखूँगी 6 इंच, आप अपने हिसाब से फिटिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ 2 इंच मैं नीचे आ जाऊँगी बाएँ की गुलाई से, और 8.5 इंच पर एक निशान और लगाऊँगी, जो कि हमारा फिटिंग का निशान होगा। 1.5 इंच यहाँ भी मार्जिन रखना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और इस तरह से मैं गुलाई दे दूंगी, और आप देख सकते हैं इस तरह बाजू की शेप देने के बाद बहुत ज़्यादा परफेक्ट और इजी तरीके से शेप लग चुका है। बाजू का शेप लगाना बहुत ज़्यादा इजी है, आगे वाले पार्ट में थोड़ी सी गुलाई देनी है। तो इस तरह से आप गुलाई दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल और सरल है। अगर आप बाजू का निशान इस तरह से लगाएंगे, बस इसी निशान पर मैं इसको कट कर दूँगी।
और ये देखिए बाजू कट के तैयार है, इसे ओपन कर दूंगी। आगे वाले भाग में मैं थोड़ी सी गुलाई दे दूंगी, जो मैंने आधे इंच की गुलाई दिया था। और इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है वो कट के कंप्लीट हो गया है। और ये मैंने अस्तर की कटिंग की थी, अब मैं कपड़े को ऊपर रख के उसी शेप में इसे हाफ इंच कपड़ा बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। सारे आगे पीछे बाहें सारे पीसेस को मैं इस तरह से काट लूँगी। और देखिए पीछे का पीसेस कट गया है। तो आप बताइएगा कि हमारी स्टिचिंग आपको कैसी लगती है, हमारी कटिंग कैसी लगती है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करना कि आपको हमारी कटिंग या स्टिचिंग कैसी लगी। स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, अगर आपको हमारी कटिंग समझ में आ रही है तो हम आपके साथ स्टिचिंग ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।